दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के विश्व कप स्क्वाड का चयन कर दिया है, जिसे लेकर सारी दुनिया में बहस छिड़ गई है। इसी बीच भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज और आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले एक युवा खिलाड़ी ने मात्र 27 साल की उम्र में अपने करियर को लेकर एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा कर रख दिया है। भारतीय टीम में जगह न मिलने से खफा खिलाड़ी ने इस खिलाड़ी के इस फैसले को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर कौन है वो खिलाड़ी और क्या फैसला किया उसने अपने शेष बचे करियर को लेकर, सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर T20 बल्लेबाज, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बीसीसीआई ने 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले मेगा इवेंट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिसकी सभी को उम्मीद थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की टीम में बीसीसीआई ने कई ऐसे खिलाड़ियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसकी हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें इस स्क्वाड में जगह अवश्य दी जाएगी। इसी कारण भारतीय टीम के चयन पर सवाल उठने शुरू हो गए और बीसीसीआई को लगातार इंटरनेट पर टारगेट किया जा रहा है। इन सबके बीच भारतीय युवा विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संजू सैमसन ने लगातार आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, इसी के कारण उन्हें कई बार भारतीय टीम में खेलने का मौका भी दिया गया है। पर भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन को उतने अधिक मौके नहीं मिल पाए हैं और जितने भी मौके उन्हें दिए गए हैं उसमें भी संजू सैमसन ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है। इसी के चलते संजू सैमसन को भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन पिछले आईपीएल में संजू सैमसन ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम में खेलने के लिए चयनित किया गया। वहीं पर संजू सैमसन को बिना मौका दिए ही उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके कई सवाल उठ चुके हैं। जब एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने वाला था तब भी सभी ने यही उम्मीद की थी संजू सैमसन इस बार में बतौर विकेट कीपर चयनित किए जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जिससे लोगों में निराशा आ गई थी। और जब इस एशिया कप में चुने गए दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज कोई भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उसके बाद तो संजू सैमसन के वर्ल्ड कप की टीम में चुने जाने की अफवाहें जोरों शोरों पर थी और सभी ने यह भरोसा कर लिया था कि अब तो संजू को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल कर ही लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई ने संजू सैमसन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल कर लिया है। उनका यह फैसला बेहद हैरान कर देने वाला था जिसके बाद संजू सैमसन बेहद अधिक उदास नजर आ रहे थे। टीम सिलेक्शन के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कैप्शन में मिसिंग टाइप करते हुए लिखा था। इस स्टोरी को देखकर लोगों ने यह आदेशा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं संजू सैमसन इस टीम सिलेक्शन से नाराज होकर अपने संन्यास की घोषणा न कर दें। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन अपने करियर पर क्या फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।